हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ को सभी अन्य पेड़ों से श्रेष्ठ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में अपने आप को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल का वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी बताया जाता है। इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण पीपल के पेड़ की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है और इसे काटा भी नहीं जाता। लेकिन घर में अगर पीपल का पेड़ उग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, अक्सर घर में आपने देखा है कि कहीं कोने में से पीपल का छोटा सा पेड़ निकलने लग जाता है। ऐसी स्थिति में जब पीपल को काटते नहीं है तो उसका क्या करें, चलिए जानते हैं। वैसे तो पीपल का पेड़ बहुत शुभ होता है, लेकिन इसका घर में उगना अशुभ माना गया है। यदि यह आपके घर में उग गया है तो पीपल के पेड़ को थोड़ा बड़ा होने दें। इसके बाद इसे मिट्टी सहित खोदकर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से ये पेड़ नष्ट नहीं होगा और दूसरी जगह यह अच्छी तरह से बड़ा हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। यदि पीपल का पेड़ बार बार एक ही जगह पर उग रहा है तो आप 45 दिन तक पीपल के उस पौधे की पूजा करें और उस पर कच्चा दूध चढ़ाते रहें। इसके बाद पीपल के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ होना या पीपल के पेड़ की छाया पड़ना अशुभ होता है। इससे घर परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है और घर पर आर्थिक संकट आ सकता है। ऐसे में यदि आपके घर में भी पीपल का पेड़ उग गया है तो रविवार के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करके उसे कटवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर में पूर्व दिशा की तरफ पीपल का पेड़ लगा हो तो ऐसा होने से उसके घर में डर और निर्धनता आती है। इसके लिए आप पीपल के पेड़ की विधि विधान से पूजा करवा कर उसे कटवा सकते हैं। अगर पीपल का छोटा पौधा है तो उसे एक गमले में लगा कर किसी मंदिर में रख के आ जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।